हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप लोग वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यू पी एस हिंदी और मैं चंचल कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस मध्यकालीन भारत के इतिहास के सेशन में सतीश चंद्र इलेवेंथ की ओल्ड एन की जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसमें लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में ठीक है ना महमूद गजनवी जिस प्रकार से भारत में उसने सत्रह बार आक्रमण किया और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी हम सब ने डिस्कस की थी आज हम लोग उसको आगे करेंगे बात और देखेंगे तुर्कों की भारत में विजय को लेकर किस प्रकार से उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत में गौर साम्राज्य की स्थापना की उसके बाद में वो चला गया फिर एबक के नेतृत्व में भारत में गुलाम वंश की नींव डाली गई और सल्तनत काल का, का आरंभ हुआ तो आज तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच उसके बाद चंदावर का युद्ध जो जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था इस सब पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों को प्रणाम गुड आफ्टरनून और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे स्वस्थ होंगे ठीक है चलिए तो क्या हम बात कर रहे थे महमूद गजनवी के बारे में उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करके भारत में तुर्कों की विजय को लेकर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी और आप सभी लोग जो कोई भी दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार बाईस तेईस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए कि अगर आप लोग कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे तो आपको पता है कि अब आपको क्या करना है अन का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो आपको इस समय ज्वाइन कर लेना है जिसमें आप लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो लोग आइकॉनिक नहीं ले सकते वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच और बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेगी दो साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नाइन्टी का नाएं है जैसे ही आप सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो एटी नाइन थाउजेंड आपको पे करना होता है एक साल का सिक्सटी का है और जैसे ही सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो वो सत्तावन का हो जाएगा जो लोग नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस तो वो आपको पता ही है कि सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बाद थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का है और दो साल का सत्तावन हज़ार छः सौ का है। अब देखो प्रीलिम्स दो हज़ार बीस तो आ गया अब दो हज़ार इक्कीस आएगा तो हमें इक्कीस की तैयारी अभी से करनी स्टार्ट करनी चाहिए आप में से कई लोगों को लग जाए कि हम लोग घर बैठे कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल हो सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं पर ज्वाइन करना पड़े या आपको उसके लिए पैसा खर्च करना ही पड़े बट जो लोग कर सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आप लोगों के ही काम आती है एग्जाम को क्रैक करने में अभी आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं 2021 वाले ध्यान दें 2021 और 22 वाले ठीक है ये स्टूडेंट्स तो जिन लोगों ने अभी शुरू की तैयारी जिन्हें कुछ भी नहीं आता और जिन्हें पहले से पढ़ा हुआ है उन सब के लिए कि पाँच तारीख से ठीक है पाँच अक्टूबर से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है प्लस पर फाउंडेशन का पॉलिटी का फाउंडेशन का बैच आप में से कई लोग जिन्होंने संविधान का ए बी सी डी भी नहीं पता जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता जिन्हें आई आर के बारे में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ नहीं पता तो एक फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप उन लोगों के लिए जो 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं और ये बैच होगा पाँच अक्टूबर से शुरू होगा पाँच अक्टूबर से शुरू होगा तो जो लोग भी जिन्हें लगता है कि सर नई बैच कब से शुरू होगी हमें शुरुआत से स्टार्ट करना है तो एकदम फ्रेश बैच है नया कोर्स है जो आप सभी लोगों के काम आएगा जितने भी लोग एकदम अभी जरा जस्ट शुरू किए जिन्हें एबीसीडी भी नहीं पता तो वो लोग सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करें और पाँच अक्टूबर के पहले पहले अभी तीस तारीख है आज पांच अक्टूबर के पहले पहले आप लोग ज्वाइन करेंगे ये प्लस पर होगा यहाँ नहीं होगा प्लस पर होगा फाउंडेशन बैच और एकदम एकदम बेसिक कि मुझे सर ये भी नहीं पता कि संविधान क्या होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको पेपर टू में कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर इस पूरे कोर्स में मैं कंप्लीट कराऊंगा तो आप उसमें मास्टर हो जाएंगे फिर इसके बाद मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लाऊंगा हिस्ट्री का तो उसमें पूरा हिस्ट्री में आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा हाँ हिंदी में ये कोर्स एकदम हिंदी में होगा इसके नोट्स भी आपको हिंदी में मिलेंगे और पूरा के पूरा जो कोर्स होगा वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही होगा और 2021-22 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अभी जो लोग वेट कर रहे थे नए कोर्स का नए बेच का तो पाँच तारीख को लॉन्च कर रहा हूँ अभी से आप सभी को बता रहा हूँ मैं ठीक है एकदम बेसिक से जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए भी पूरा आपको ये क्लियर हो जाएगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं और जिन लोगों को मुझसे बात करनी हो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है एट द रेट चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मेरा नंबर मिलेगा उस पर मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हैं एडमिशन से जुड़े हुए तो ये संघर्ष का जो युग था हम लोग पिछले सेशन में स्टार्ट कर दिए थे ना संघर्ष का युग एक हजार से लेकर बारह सौ ईस्वी के लगभग जिसमें महमूद गजनवी ठीक है ना महमूद गजनवी जो है वो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में उसी को आज पार्ट टू हम लोग करेंगे महमूद गजनवी के बाद किस प्रकार से भारत में तुर्कों के द्वारा उत्तर भारत की विजय की गई और कैसे भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई है ना तो तुर्कों के द्वारा उत्तर भारत की विजय को हम लोगों को समझना और वहीं से जहां पिछली बार छोड़ा था गजनवी तो महमूद गजनबी के द्वारा ठीक है गजनबी के द्वारा जब पंजाब को जीत लिया गया तो उसके बाद में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य में दो विशिष्ट ठीक है विशिष्ट रूपों में संबंध ठीक है दो विशिष्ट रूपों में संबंध विकसित हुए ये दो संबंध कैसे थे एक लूटमार पर था टिका हुआ लूटमार का आकर्षण जिसके परिणाम स्वरूप महमूद के उत्तराधिकारियों ने गंगा घाटी और राजपूताने पर आक्रमण किया और ज्यादा लूटमार के लिए और ज्यादा धन संपत्ति के लिए ठीक है समझ में आ गया चलिए इसके बाद राजपूत राज्यों के शासकों ने इन आक्रमणों का डटकर सामना किया तो राजपूतों ने इन्हें अच्छा खासा जवाब दिया इनके साथ में डटकर मुकाबला किया और कई बार तुर्कों के खिलाफ उन्हें जीत भी मिली क्योंकि राजपूत शासक भी अपने आप में काफ़ी वीर थे बहादुर थे और उनके पास भी अच्छा खासा ऑप्शन था ठीक है तो उन लोगों ने क्या किया इनके साथ में कई बार लड़कर और विजय भी हासिल की लेकिन अब गजनी जो महमूद गजनवी के टाइम पर हमने देखा था कि अलप्त ने गजनी की स्थापना की स्वतंत्र राज्य की फिर सुबुक्तगीन आया फिर महमूद गजनवी आया और महमूद गजनवी ने बहुत ज़्यादा विस्तार किया गजनी साम्राज्य का तो महमूद गजनी जो था उसके समय में गजनी बहुत शक्तिशाली था लेकिन अब गजनी राज महमूद गजनवी के बाद में उतना शक्तिशाली नहीं रहा तुर्कों को अनेक स्थानीय युद्धों में राजपूतों ने पराजित किया और आत्मसंतोष को प्राप्त किया क्योंकि पहले महमूद गजनबी ने राजपूतों को हराया था तो अब राजपूतों ने तुर्कों को हराया और अपनी पुरानी हार का बदला लिया और गजनी साम्राज्य धीरे 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 क्या हो गया कमजोर हुआ और दूसरे स्तर पर एक स्तर पर तो लूटमार चल रही थी दूसरे स्तर पर जो मुसलमान व्यापारी थे उनको व्यापार करने की इजाजत दी गई भारत के साथ व्यापार करने की इजाजत दी गई ठीक है बल्कि उनका स्वागत भी किया गया तो ये एक प्रकार से दो प्रकार के संबंध है एक तो मुस्लिम शासक भारत में आक्रमण कर रहे थे लूटमार कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम व्यापारियों को व्यापार करने की इजाज़त भी दी गई स्वागत भी किया गया तो दो रूपों में ये संबंध हमें दिखाई देते हैं पहला लूटमार का और दूसरा व्यापार का वो व्यापार करने की इजाज़त दी गई उनको स्वीकृति दी गई उनका स्वागत किया गया और उनके माध्यम से मध्य और पश्चिम एशिया के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा मिला तो भारत के व्यापार को बढ़ावा मिला इससे राज्यों की आय भी बढ़ी तो एक प्रकार से जब व्यापार हुआ आवागमन हुआ तो इन्हीं के साथ में आए धर्म उपदेशक जिन्हें आप लोग सूफी कहते हैं इस्लाम धर्म के उपदेशक इस्लाम धर्म उपदेशक इन्हें क्या कहा गया सूफी इन्हीं के साथ सूफियों का आगमन हुआ सूफी क्या थे सूफी जो इस्लाम धर्म का उसके सिद्धांतों का एक ईश्वरवाद का प्रचार करते थे तो इन्हीं के साथ आप आगे आपने देखा होगा भारत में सूफी आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा इसके अलग अलग शाखाओं के बारे में आपने सुना होगा आपने निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा ठीक है ना तो ये सूफी कौन थे ये सूफी थे धर्म उपदेशक तो भाई ये धर्म का उपदेश देते थे प्रेम पर विश्वास करने का एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांत का ये प्रचार करते थे ये मुख्यतः तो जब इस प्रकार के आवागमन हुए व्यापारियों के तो सूफियों का भी आ, आगमन हुआ फिर भारत में सूफी आंदोलन आया बाद में ये सूफी चूंकि इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे तो मुसलमानों के लिए तो लोकप्रिय थे ही लेकिन हिंदू भी उससे प्रभावित हुए ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो सूफी आंदोलन जो सूफी संत थे उनके जिस प्रकार के सिद्धांत थे जिस प्रकार के विचार थे ईश्वर को लेकर भक्ति को लेकर जिस प्रकार के उनके विचार थे उससे भारत में मुस्लिमों के साथ हिंदू भी प्रभावित हुए धीरे धीरे हिंदू जो हम देखते हैं कि धर्म को मानने वाले लोग थे वो भी सूफी विचारधारा के प्रभाव में आए वो भी उनसे प्रभावित हुए इस प्रकार इस्लाम और हिंदू धर्म और समाज के बीच एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया शुरू हुई अब यहाँ एक नई संस्कृति आगे आएगी जब इस्लाम और हिंदू धर्म का यहाँ हम एक मिश्रण देखते हैं मिलाप देखते हैं तो एक नई संस्कृति जो आगे आपको दिखेगी जिसको हम कहते हैं इंडो इस्लामिक कल ही हम लोग बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर के सेशन में तो आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हमने देखा था ना कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला याद है आप लोगों को भारतीय इस्लामी वास्तुकला तो जब सल्तनत काल की शुरुआत हुई और जब हमारे यहाँ पर इनका शासन स्थापित हुआ तुर्कों का तो फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों में एक प्रकार की नई संस्कृति है और यही चीज आगे जाके इंडो इस्लामिक कहलाई यहीं पर हम देखते हैं कि बाद में जाके उर्दू भाषा का विकास भी, भी होगा ठीक है तो इस प्रकार इस्लाम और हिंदू धर्म और समाज के बीच में एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया शुरू हुई लाहौर जो था वो अरबी और फारसी भाषा और साहित्य का केंद्र बन गया और धीरे धीरे अरबी फारसी भाषा का भी प्रभाव भारत में बढ़ने लगा इस बीच मोहम्मद गौरी का उदय कहाँ से हुआ मोहम्मद गौरी कौन था ये हमें समझना है गौर साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से गजनी तो हमने पढ़ लिया कई बार मोहम्मद गौरी की तुलना महमूद गजनवी से की जाती है संदेह महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी से ज्यादा योग्य शासक था ठीक है तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग देखते हैं कैसे हुआ शुरुआत बारहवीं शताब्दी के मध्य तक तुर्की जनजातियों के एक अन्य दल ने जो कुछ हद तक बौद्ध और कुछ हद तक गैर मुसलमान थे उन्होंने सलजुक तुर्कों को वहां से उखाड़ फेंका जो वहां राज कर रहे थे जब ये चले गए तो वहां पर एक वैक्यूम एक रिक्त स्थान जो है वो क्रिएट हुआ और उस रिक्त स्थान को भरने के लिए दो साम्राज्य और ये दोनों ही साम्राज्य उस काल के बड़े साम्राज्य बने एक ख्वारिज्म साम्राज्य जिसका शासन मध्य एशिया और उसके आसपास था और दूसरा गौर साम्राज्य जो भारत में फिर कर रह गया तो ये दो साम्राज्य थे एक ख्वारिज्म और दूसरा गौर ये दो शक्तियां हमें वहां पर उसके बाद में दिखाई देती थी जब गजनी साम्राज्य का अंत हुआ उसके बाद में ख्वारिज और गौर अब इनमें दोनों ने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए अंततः ख्वारिज़ ने जो गौरी थे उन्हें मध्य एशिया से भगा दिया मारपीट के हरा के तो फिर ये भारत तक सीमित होकर रह गए में साम्राज्य का जो आधार था वो ईरान था और गौरी साम्राज्य जो था वो अफगानिस्तान में था दोनों बड़े साम्राज्य उस इलाके में पैदा हुए और दोनों में मध्य एशिया को लेकर विवाद था गौरी साम्राज्य भी मध्य एशिया में अपना बढ़ाना चाहता था प्रभाव विस्तार और ख्वारिज्म साम्राज्य भी मध्य एशिया में अपना विस्तार अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था तो दोनों में टक्कर हुई और अंततः इसमें कौन जीता ख्वारिज्म ये एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था उस काल का ठीक है तो हमें क्या समझ में आया दो नए साम्राज्य बारहवीं शताब्दी के बाद में आए थे एक ख्वारिज्म और दूसरा गौर है ना यहीं से मोहम्मद गौरी का उदय हम देखेंगे गौरी ये गौरी थे को ये आरंभ में गजनियों के सामंत थे मतलब ये गजनियों के मातहत काम किया करते थे गौरी कौन थे गौरी जो है ये गजनियों में जो गजनवी साम्राज्य था उनके नीचे उनके अंडर में काम करते थे सामंत के रूप में उनके सामंत थे लेकिन जल्दी ही उन्होंने एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया दे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया इनकी शक्तियों में वृद्धि हुई और इसका श्रेय जाता है अलाउद्दीन को जिसने इस साम्राज्य की एक प्रकार से स्थापना की अलाउद्दीन के समय में अलाउद्दीन के बाद उसका बेटा बना और उसका ही एक भतीजा था अलाउद्दीन का मोहम्मद गोरी तो अलाउद्दीन जो था इसके समय में गोरियों की शक्ति में अभी हुई और अभी बताया इनका इलाका कौन सा था अफगानिस्तान वहां ये गोर साम्राज्य शुरू हुआ था अफगानिस्तान ठीक है उसे विश्वदाहक जहां ठीक है विश्व दाहक की संज्ञा दी गई है क्योंकि उसने अपने भाइयों के साथ किए गए व्यवहार के कारण गजनी का विध्वंस किया और जला दिया तो गजनी साम्राज्य के अंडर में ये काम करते थे और बाद में गजनियों से बदला लेने के लिए गजनी को नष्ट कर दिया और वहां पर गौर साम्राज्य की शुरुआत की किसने अलाउद्दीन ने इसके बाद इनके साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के कारण गौरियों को आगे बढ़ने की जो है इच्छा हुई तो वहाँ पर ख्वारिज्म साम्राज्य से इनकी टक्कर हुई और ख्वारिज्म साम्राज्य ने इनको आगे नहीं बढ़ना दिया खुरासान जो दोनों के बीच झगड़े की झगड़े की जड़ था गौरियों और ख्वारिज्मों में वहाँ पर ख्वारिज्म के शाह ने अधिकार कर लिया तो फिर गौरी भारत की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो गए तो जब गौरियों को मध्य एशिया में बढ़ने नहीं दिया किसने ख्वारिज्म ने देखो इसको ऐसे समझो ये है गौरी साम्राज्य ये गौर साम्राज्य इधर वो बढ़ना चाहते हैं यहां है ख्वारिज्म ये भी इधर आना चाहते हैं तो इनके बीच में जो टक्कर हुई इस टक्कर में ख्वारिज्मों ने गौरियों को हरा दिया तो अब गौर किधर आया इधर आया कहा भारत की तरफ तो फिर ये भारत की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो गया आया समझ में गोरियों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उधर के रास्ते ख्वारिज्म साम्राज्य ने बंद कर दी ठीक है क्लियर यहां से समझो ये गौर है अफगानिस्तान में ये ईरान में ख्वारिज्म है दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ख्वारिज्म ने गोरियों को हरा दिया तो गौरियों को फिर कहाँ आगे आना पड़ा इन्हें भारत की तरफ बढ़ना पड़ा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था भारत की तरफ बढ़े इस कड़ी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया लेकिन 1178 के उस युद्ध में गुजरात में तब पाटन का राजा हुआ करता था चालुक्य भीम द्वितीय भीम द्वितीय से मोहम्मद गौरी का टकराव हुआ ठीक है अगर आप लोगों को पॉलिटी ऑप्शनल लेना है तो फिर मैं आपको बता रहा हूं ठीक है कि प्लस पर मैं अभी पढ़ाऊंगा पी एस ऑप्शनल तो जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे उन लोगों को मैं पूरा पॉलिटिकल ऑप्शन साइंस है पी एस ऑप्शन और हिंदी वो दोनों कंप्लीट कराऊंगा अब यहां मैंने आपको क्या बताया कि पहले जब इधर से हार गया तो फिर इधर आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी जब भारत में आया तब मैंने आपको बताया गुजरात में तब शासक कौन था भीम भीम द्वितीय अच्छा शक्तिशाली शासक था तो भीम द्वितीय ने हरा दिया मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से हराया इतनी बुरी तरीके से कि उसकी जान के लाले पड़ गए मोहम्मद गोरी को भागना पड़ा अपनी जान बचाकर भीम द्वितीय के खिलाफ लेकिन उसको यह समझ में आ गया कि अगर भारत में जीतना है तो एक बेस बनाना पड़ेगा बिना उसके बिना तैयारी के नहीं, नहीं जीत सकते आप तो मोहम्मद गौरी ने उसके लिए तैयारी की और जिस समय वो भारत में आक्रमण की योजना बना रहा था उस समय भारत में एक बहुत ही वीर योद्धा मात्र चौदह साल की उम्र में गद्दी पर बैठा नाम आप सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से था कल ही मैंने आपको बताया था चौहान वंश इस समय गद्दी पर था तो चौहान वंश से पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा था और फिर मोहम्मद गौरी की टक्कर हुई थी पृथ्वीराज चौहान से तराइन के पहले युद्ध में इसमें भी गौरी हार गया था इसमें भी गौरी हरा भाग गया इसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हरा और मोहम्मद गौरी जीता तो हम लोग इसी को समझेंगे कि जब ख्वारिज्म साम्राज्य ने गोरियों को हरा दिया तो उन्हें भारत में आना पड़ा शहाबुद्दीन महमूद इसका भाई था गयासुद्दीन गयासुद्दीन इसका भाई था और इसका भाई जब मर गया तब १२०२ में गद्दी पर बैठा था ये ठीक है मोहम्मद गोरी शहाबुद्दीन महमूद ये मुइजुद्दीन बिन साम के नाम से भी जाना जाता है इसी को शहाबुद्दीन महमूद बोलते हैं मुइजुद्दीन साम कहा जाता है और यही मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है ग्यारह में गजनी के सिंहासन पर बैठा था ग्यारह में ये गजनी के सिंहासन पर बैठा था ठीक है तो ये शहाबुद्दीन महमूद की मोहम्मद गोरी की ये स्टार्टिंग है ये शुरुआत है यहां से उसने शुरू किया इसके बाद मैंने आपको बताया कि वो भारत पर चढ़ाई किया गोमल दर्रे से होता हुआ मुइजुद्दीन मोहम्मद उसने मुल्तान पर ठीक है अपना अधिकार जमा लिया उस पूरे उच्च इलाके में अपना अधिकार जमा लिया ग्यारह में उसने राजस्थान की मरुभूमि को पार किया और फिर वो आया गुजरात और गुजरात में प्रवेश करने का जब उसने प्रयास किया तो मैंने आपसे कहा था कि कौन सा शासक था यहां पर कौन सा शासक था यहां का शासक था भीम भीम द्वितीय तो ये गुजरात के शासक भीम द्वितीय के साथ में युद्ध लड़ा और उसके हाथों आबू के निकट युद्ध में बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी बहुत बुरी तरीके से हारा और इतना बुरा कि मरते मरते बचा भाग्य से मुइजुद्दीन की जान बच गई तो भीम द्वितीय ने इसको हरा दिया समझ में आ रहा है अच्छा आपको कई लोगों को लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा अच्छा तो मैं आपको एक थोड़ा सा साधारण तरीके से समझाऊं आपने कल गजनवी वाला तो अटेंड किया था सेशन महमूद गजनवी ने भारत में कई बार आक्रमण किए वगैरह वगैरह वो सब हम देख चुके अब वो वापस चला गया फिर वो मर गया महमूद गजनवी के बाद मरने के बाद गजनी साम्राज्य कमजोर हो गया क्योंकि उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे गजनी साम्राज्य के बाद में दो साम्राज्य आए एक गौर एक ख्वारिज्म खौरिज। खारिज साम्राज्य ईरान में था और गौर साम्राज्य अफगानिस्तान में था यहाँ तक समझ में आता है दोनों में टक्कर हुई तो गौरी हार गए और गौरी भारत की तरफ बढ़े इनमें ही हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी की मोहम्मद गौरी पंजाब को मुल्तान को जीतते हुए आगे बढ़ा और यहां पर उसका सामना गुजरात में हुआ इसके साथ भीम द्वितीय के साथ इसमें वो हार गया इतना ही तो बताया मैंने अभी आपको आज और क्या प्रॉब्लम है अभी भी दिक्कत आ रही है क्या कुछ अभी भी दिक्कत आ रही कई बार क्या होता है कि लिंक टूट जाती तो हम लोग बीच की कड़ियाँ जोड़ नहीं पाते इतिहास में मैंने कहा कि एक लिंक होनी चाहिए एक लिंक अगर बीच में टूटी तो फिर हम छूट ही जाते ट्रेन छूट जाती है आगे निकल जाती है हम वहीं खड़े रह जाते अब ठीक है तो मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य वाला भारत की तरफ आया और गुजरात में भीम द्वितीय के साथ युद्ध हुआ हार गया बुरी तरह हारा, जान बचाकर भाग गया यहां तक ठीक चलिए अरे आपको समझाने के लिए ही तो पढ़ाते हैं यहां पर आकर अपना ज्ञान थोड़ी ना बकारना है आपको समझ में ना आए तो पढ़ाने का मतलब क्या है समझ में आना चाहिए भाई नहीं आए तो पूछा करो कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो कि सर नहीं रहा है कहीं अटक गया कुछ दिमाग में फंस गया कोई दिक्कत है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ा के फिर यहां ज्यादा फायदा भी नहीं होने वाला चलो भाई तो यह हो गया कि मुजुद्दीन भीम द्वितीय के हाथ में हार गया अब अब उसे मैंने कहा कि समझ में आ गया कि भारत में जीतना इतना आसान नहीं मोहम्मद गोरी को समझ में आया कि भारत में जीतना है तो एक बेस बनाना पड़ेगा और इसीलिए भारत पर आक्रमण करने से पहले उसको पंजाब में उसको लगा कि अगर पंजाब में एक बढ़िया एक बेस बना लें हमने देखा ना कि युद्ध होते हैं तो एक बेस स्टेशन होता है तो ऐसे ही अपना एक बेस बना लें और वहां से तैयारी करके फिर भारत पर आक्रमण किया जाए तो बेहतर है देन मोहम्मद गौरी ने पंजाब में अपना वो आधार बनाने की कोशिश शुरू कर दी फिर उसके बाद क्या हुआ पंजाब पर अपना अनुकूल आधार कर आधार बनाने की उसने कोशिश की अनुभव किया कि ऐसा करना पड़ेगा फिर उसने पंजाब में गजनवियों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया क्योंकि वहां गजनवी हुआ करते थे उनको बाहर कर दिया अब पंजाब गोरी के पास था और जिस समय यह हुआ 1190 तक मुइजुद्दीन ने पेशावर लाहौर और सियालकोट को जीत लिया और पुनः उसने अपने आप को संतुलित करके दिल्ली और गंगा के दुआब पर आक्रमण के अब की बार वो तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण करना जा रहा था ठीक तो ११७८ में भीम द्वितीय से हारा 1190 तक वो गजनी को हटा के पंजाब पर आधिपत्य कर चुका था इसी बीच उत्तर भारत की घटनाएं उनमें परिवर्तन आया चौहानों की शक्ति बढ़ती जा रही थी उस समय मैंने आपको बताया था तीन जो बड़े राज्य थे चौहानों चौहान की बात की थी हमने तोमर की बात की थी जो दिल्ली में थे हमने बात की गढ़वाल की बात की थी हमने तो ये चौहानों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और चौहानों ने राजस्थान पर पंजाब की तरफ से आक्रमण करने वाले तुर्कों को पराजित किया और भारी संख्या में तुर्कों को मारा उन्होंने तोमरों से दिल्ली को भी छीन लिया दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और धीरे धीरे चौहान शक्ति का विस्तार पंजाब की तरफ होने लगा जहां पर अब इनके बीच में टक्कर होने ही वाली थी एक तरफ से गौरी भारत में आने की कोशिश कर रहा है और इधर से चौहान दिल्ली को जीतते हुए पंजाब की तरफ बढ़ गए तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ये गौरी है ये चौहान है और ये दोनों आपस में अब टकराने ही वाले थे क्यों क्योंकि दोनों ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे चौहान राजस्थान दिल्ली जीतते हुए पंजाब की तरफ बढ़े और गौरी पंजाब से फिर गंगा यमुना की दो आप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे मैप दिमाग में डालो अब क्या हुआ अब ये मोहम्मद गौरी जब मुल्तान पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था जिस समय जिस समय मोहम्मद गौरी मुल्तान को जीतने की कोशिश कर रहा था तभी तभी एक चौदह साल का बच्चा चौदह वर्षीय बालक अजमेर की गद्दी पर बैठा था और ये चौहान था पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान उसी समय गद्दी पर बैठा इसके बारे में बहुत सारी कहानियां बहुत सारी जनश्रुतियां प्रचलित है कथाएं प्रचलित हैं हम सबने कई बार ये किशोर राजा इसने विजय को ही जीवन वृत्ति के रूप में अपनाया कि बस विजय 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 और मैंने आपसे कहा भी था कि ये वो काल था जबकि युद्ध बहुत होते थे ठीक है ये वो काल था जब आप अगर क्षत्रिय हो तो ये माना जाता था कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा मतलब अगर आप क्षत्रिय हो और आपने युद्ध नहीं लड़ा तो आपका जीवन बेकार अगर आपने युद्ध में मरे नहीं आप लड़ते लड़ते तो आपका जीवन बेकार ठीक है याद करिए मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि बहुत अच्छी इस बारे में कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियां मैंने बताई थी कि बारह बरस कुकर जिए, अरु तेरह बरस या, और बरस अठारह क्षत्रिय माना जाता था कि अठारह साल से ज्यादा अगर कोई क्षत्रिय जी लिया तो उसके जीवन को धिक्कार लड़ो युद्ध में मरो रणभूमि में तो भाई ये भी विजय विजय और विजय को ही अपने जीवन का पूरा सार बनाया इसने अपने सगे संबंधियों के विरोध को, को समाप्त करके राजस्थान के अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया कौन पृथ्वीराज चौहान आगे उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और महोवा के निकट एक युद्ध में चंदेलों को हराया ये वही चंदेले जिन्होंने खजुराहो का निर्माण करवाया तो चंदेलों को भी हराया पृथ्वीराज चौहान ने और वो आगे बढ़ा धीरे धीरे और इसी युद्ध में ये जो महोवा का युद्ध है इसी युद्ध में आल्हा और उदल आला और उदल ये दो भाई थे और इन्होंने महोवा की रक्षा करते हुए क्योंकि बुंदेलखंडी थे ये इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और यहीं से आल्हा और उदल की कथा इतिहास में अमर होगी दोनों भाइयों का जो वीरता थी जो साहस था वो वो फिर इतिहास में जाना जाता जगनिक का नाम सुना होगा आपने आला और उदल के ऊपर बहुत सारी लिखी हुई है ठीक है तो आला, आला उदल ये दोनों जब पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था तो ये चंदेलों के यहां काम करते थे और इन दोनों भाइयों ने महोवा की रक्षा करते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी थी आपको सुना होगा आपने कभी आल्हाउदल का नाम सुना है कि नहीं सुना है आलाउदल ठीक है ना तो ये दो भाई थे फिर भी पृथ्वीराज ने जीतने के बाद इस राज्य को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया और फिर उसने गुजरात पर आक्रमण किया और अब पृथ्वीराज चौहान की टक्कर हो गई भीम द्वितीय से ये वही भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गोरी को भी हराया था पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली राजा था लेकिन भीम द्वितीय भी कमजोर नहीं था तो पृथ्वीराज चौहान जब बुंदेलखंड को जीत के मालवा के बाद फिर आगे गुजरात की तरफ बढ़ा तो गुजरात के शासक भीम द्वितीय से टकराया जिसने गोरी को भी हराया था और फिर मोहम्मद गोरी को हराने वाले भीम द्वितीय ने पृथ्वीराज को भी हराया भीम द्वितीय अच्छा खासा एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था उस काल का ठीक है तो भीम द्वितीय ने इसको हराया इस पराजय से बाध्य होकर क्योंकि गुजरात में तो पृथ्वीराज नहीं कर पाया कुछ फिर पृथ्वीराज का ध्यान गया पंजाब और गंगा घाटी की तरफ अब उसे दो ही तरफ था एक तो पंजाब की तरफ जाए गंगा घाटी की तरफ जाए एक तरफ गहड़वाल थे और दूसरी तरफ गौरी था ठीक है ना अब देखो तराइन का युद्ध हुआ क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ा तो इस प्रकार से मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज ये दो महत्वाकांक्षी राजाओं के बीच में युद्ध अपरिहार्य अब युद्ध होना ही था क्योंकि पृथ्वीराज भी जाना चाहता था उधर गोरी भी आना चाहता था इधर तो अब इनमें युद्ध अपरिवार अपरिहार्य हुआ और ये हुआ ग्यारह में तराइन का युद्ध इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है तो तराइन के युद्ध में जो ये दोनों आपस में भिड़े तो गौरी की फौज के पैर उखड़ गए और मुइजुद्दीन मोहम्मद का जीवन एक खिलजी घुड़सवार ने बचाया यहां भी मरते मरते बचा फिर भाग गया तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में आपने सुना होगा तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और न सिर्फ पराजय हुई बल्कि उसकी जान जाते जाते बच गई एक खिलजी घुड़सवार था उसने बचा लिया उसको अब यह था तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज विजय हुआ पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ इसके बाद पृथ्वीराज अब भटिंडा की ओर बढ़ा और 12 मास तक घेरा डाल रखा तराइन का युद्ध जीतने के बाद वो भटिंडा की तरफ बढ़ा जहां उसने 12 महीने तक घेरा डाल रखा और उसको अपने अधिकार में कर लिया लेकिन यहाँ एक बहुत इतिहास में विवादास्पद चीज ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब से गौरियों को खदेड़ने की कोशिश क्यों नहीं की इसके बाद एक विवाद ये होता है कि तराइन का पहला युद्ध जीतने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ा तो उसने जो ये गौरी था उसको पंजाब से बाहर करने की कोशिश क्यों नहीं की उसको वहाँ से क्यों नहीं खदेड़ दिया वापस अफ़गानिस्तान क्यों नहीं पहुँचा दिया इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है तर्क ये दिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि अगर इसको खदेड़ देंगे तो ये बार बार आक्रमण करके परेशान करेगा इसको पंजाब में रहने दो अगर ये पंजाब में रहेगा तो ये संतुष्ट रहेगा और फिर यह आक्रमण नहीं करेगा मतलब अगर इसके पास पंजाब रहेगा तो ये बार बार आक्रमण नहीं करेगा ये पृथ्वीराज चौहान का मानना था तो यदि अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि तराइन के युद्ध में जीतने के बाद भी उसने उसको पंजाब से बाहर क्यों नहीं किया गोरियों को तो शायद इसके पीछे ये सोच काम कर रही थी कि ये अब चुपचाप बैठा रहेगा और अब यह आक्रमण नहीं करेगा क्लियर है तो उसने 12 महीने तक घेरा डाल रखा था भटिंडा में और उसके बाद भी उसने पंजाब से गोरियों को खदेड़ने के प्रयास नहीं किए संभवतः उसे ऐसा अनुभव हुआ कि तुर्कों के बार बार हो रहे आक्रमणों से यह भी एक आक्रमण था और अगर इन्हें पंजाब दे दिया जाए तो वो बाद में आक्रमण नहीं करेंगे इसी चीज को साबित भी कर दिया तराइन के दूसरे युद्ध में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था आपने सुना होगा जिसमें पृथ्वीराज हारा था तो युद्ध के पहले ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को प्रस्ताव दिया था प्रस्ताव क्या दिया था कि वो पंजाब में शासन करता रहे मतलब पंजाब उसके पास रहेगा लेकिन गौरी इतने से संतुष्ट नहीं हुआ मेरी बात समझ में आई तो ये तराइन का पहला युद्ध था और उसका यह मानना था कि गौरी शासक पंजाब पर शासन करके शायद संतुष्ट रहेंगे और इसके बाद वो आक्रमण नहीं करेंगे और अगर सब कुछ ले लेंगे फिर तो आक्रमण करेंगे तो इसलिए पंजाब इसके पास रहने देते ये गलती बाद में ये गलती हुई ये पृथ्वीराज चौहान की गलती साबित हुई तराइन के दूसरे युद्ध के पूर्व वह मुइजुद्दीन को एक प्रस्ताव देता है कौन पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध से पहले वो पृथ्वीराज चौहान गौरी को एक प्रस्ताव देता है कि पंजाब को तुम्हारे हाथ में छोड़ने के लिए तैयार हूं ठीक है क्या पंजाब को मुइजुद्दीन के हाथों में छोड़ने के लिए तैयार था कि तुम पंजाब रख लो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है लेकिन गौरी नहीं माना गौरी पंजाब से संतुष्ट नहीं था इसके बाद हुआ तराइन का दूसरा युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध अगले ही साल ग्यारह में हुआ था और यह द्वितीय युद्ध जो था तराइन का वो इतिहास में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्यों इसी के बाद तो फिर भारत में गौर साम्राज्य आया सल्तनत काल की शुरुआत हुई तो ये एक तराइन का सेकंड भारत के इतिहास में ऐसे युद्ध जिन्होंने हमारे दशा और दिशा को मोड़ा पूरे इतिहास की उसमें से ये भी है एक आप बक्सर का युद्ध सुनते हो प्लासी का युद्ध सुनते हो जिन्होंने बहुत कुछ मोड़ दिया इतिहास को नहीं तो कुछ और हो सकता था यहाँ भी ये तराइन का युद्ध जो है हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है और इस संघर्ष के लिए चूंकि मोहम्मद गोरी दो बार हार चुका था पहले भीम द्वितीय से भी हार चुका था और पृथ्वीराज चौहान से भी हार चुका था तो अबकी बार मोहम्मद गोरी पूरी सावधानी के साथ आया था पूरी तैयारी के साथ और इस युद्ध के पहले इस युद्ध के पहले ठीक है उसने क्या किया अपनी सेना में ऐसा माना जाता है इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने एक लाख बीस हजार सैनिक उतारे ये माना जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की तरफ से एक लाख बीस हजार सैनिक ठीक है ना ये लड़े हैं गौरी की तरफ और पृथ्वीराज चौहान की सेना में तीन लाख सैनिक थे ये दोनों ही संख्या बहुत ज्यादा लगती है अतिशयोक्ति लगती है कि गौरी की सेना में एक लाख बीस हजार सैनिक थे और पृथ्वीराज चौहान की सेना में तीन लाख सैनिक थे अतिशयोक्ति तो तो निसंदेह क्योंकि इतनी बड़ी सेना सेना नहीं हो सकती तो उसकी सेना में सैनिक थे बख्तरबंद घुड़सवार थे और दस हजार घुड़सवार थे धनुर्धारी जो तेजी जिनके दूर दूर तक तीर वार किया करते थे दस हजार धनुर्धारी घुड़सवारों के साथ एक लाख बीस हजार सैनिकों के साथ गौरी इस युद्ध में उतरा था ठीक है यहां तक समझ में आ गया जो ही पृथ्वीराज को गौरियों के खतरे की आशंका हुई अब पृथ्वीराज को लगा कि यह पंजाब लेने को तैयार नहीं है यह नहीं मान रहा यह आएगा यह लड़ेगा तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को ठीक है जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को इसके खतरे के बारे में पता चला उसने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता के लिए अनुरोध किया कि हम लोग एक हो जाएं और इसको हराएं तो उसने पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजाओं से क्या किया सहायता के लिए रिक्वेस्ट किया अनुरोध किया और इसको सहायता मिली भी अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आती है सभी राजाओं ने सहायता की सिर्फ जयचंद ने सहायता नहीं की थी जयचंद गढ़वाल था यह भी राजपूत ही था अब यहां पर कई लोग क्या कहानी वो जो बनती है ना जो आपने कई बार सुनी होगी कि जयचंद ने जयचंद ने ठीक है साथ नहीं दिया क्यों नहीं दिया जयचंद ने इस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने उस उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था इस कारण से उन्होंने साथ नहीं दिया ये तो चंद्र बरदाई लिखते हैं पृथ्वीराज रासो में लेकिन बहुत से इतिहासकार इसको सही नहीं मानते बहुत से इतिहासकारों का ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि कोई उसकी पुत्री को अपहरण कर लिया था इस कारण से वो युद्ध में नहीं आया बल्कि इनके संबंध शुरू से ख़राब थे जयचंद उस समय भारत में एक बहुत शक्तिशाली राजा था कन्नौज के आसपास और वो पृथ्वीराज से भय खाता था मतलब क्योंकि पृथ्वीराज भी धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा था उसने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के संबंध पहले से ही खराब थे इसीलिए जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया कई लोगों का लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि ये मानना है कि वो पुत्री का अपहरण कर लिया था संयोगिता का और इस वजह से जयचंद ने साथ नहीं दिया ये सही नहीं है वो संबंध पहले ही खराब थे दोनों के क्योंकि दो शक्तिशाली राजा होते हैं तो दोनों के बीच में इस प्रकार की टक्कर होती ही होती बात समझ में आई आपको तो ये सभी राजाओं से सहायता के लिए अनुरोध करता है बहुत से राजाओं ने उसकी मदद के लिए सेना भी भेजी लेकिन 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 कन्नौज का राजा जयचंद अलग रहा तब से एक उपाधि सी बन गई जयचंद हमारे यहाँ कौन माने जाते हैं तब से एक उपाधि बन गई कि हमें हमेशा खतरा रहा है जयचंदों से जयचंद वो हो गया जो मुसीबत पड़ने पर आपका साथ नहीं देता है जो आपकी पीठ में छुरा घोपता है ये तब से एक संज्ञा ही हो गई हम लोग कई बार प्रयोग करते हैं यह शब्द जयचंद तो इस युद्ध में सभी राजाओं ने ऑलमोस्ट बहुत से सारे राजाओं ने टुकड़ी अपनी अपनी सैनिक की भेजी पृथ्वीराज की सहायता के लिए लेकिन कन्नौज का राजा जयचंद अलग रहा और क्या मैंने आपको बताया अभी किंवदंती क्या है किंबंती यह है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था और वो पृथ्वीराज से प्रेम करती थी इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा ना ये सही नहीं है इतिहासकार अधिकांश इतिहासकार मैक्सिमम जो है वो अब इस मत से सहमत ही नहीं है ये प्रेम कथा बहुत ही बाद में लिखी और किसने चंद्र बरदाई का नाम सुना होगा आपने जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है ठीक है चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है उसके वर्णन में ये चीज आई और वो बहुत सारी असंभावी घटनाओं का समावेश करता है मतलब जो हो ही नहीं सकता चंद्र बरदाई के एक लेख से हम लोग पूरा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ठीक है तो यह तराई का दूसरा युद्ध हुआ तराई का दोनों राज्यों के बीच जयचंद के बीच और पृथ्वीराज के बीच एक पुराने समय से गहरी शत्रुता चली आ रही थी उस काल की खास बात यह थी कि राजपूत राजा जो होते थे वो अपनी शत्रुता को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते थे वो भूलते नहीं थे पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनी शत्रुता को लेके जाते थे तो इनके बीच में पुराने समय से ही गहरी शत्रुता चली जा रही थी इसीलिए जयचंद ने इस युद्ध की गतिविधियों से अपने आप को अलग रखा ठीक है समझ में आ रहा है ठीक है भाई पृथ्वीराज ने मैंने अभी बताया तीन लाख सैनिकों को उतारा था गौरी की सेना में एक लाख बीस हजार और पृथ्वीराज चौहान की सेना में तीन लाख सैनिक थे ठीक है तो ये तीन लाख सैनिक उतारा था बड़ी संख्या में जिसमें घुड़सवार और तीन सौ हाथी भी थे इन्हें रणभूमि में उतारा था दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति के वर्णन में अतिशयोक्ति हो सकती है दोनों ही पक्ष की सेना बहुत बड़ी बताई जाती है उधर एक लाख बीस हजार तीन लाख तो ये अतिशयोक्ति हो सकता है संख्या के हिसाब से भारतीय फौजें संभवतः बड़ी थी लेकिन तुर्कों की सेना की खास बात ये थी कि वो सुसंगठित थी और उसका नेतृत्व भी बढ़िया था क्योंकि तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने पहले तराइन के पहले युद्ध में ठीक है तराइन के पहले युद्ध में हराया था तो वो उस हार से सबक ले चुका था अबकी बार गौरी ज्यादा तैयारी से आया था और अच्छी जो है सुसंगठित सेना और नेतृत्व के साथ में आया था युद्ध जो था मुख्य रूप से घुड़सवारों के बीच ही था तुर्कों की विजय उनके घुड़सवार के सुसंगठन दक्षता और गतिशीलता के कारण जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था इनकी खास बात क्या थी ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते थे और पीछे हट जाते थे बिजली की गति से ये छापा मारते थे आए समझ में तो बिजली की गति से ये छापा मारते थे और इस कारण से इनकी सुसंगठन के दक्षता और गतिशीलता के कारण ये युद्ध में तुर्कों की जो घुड़सवार सेना थी वो ज़्यादा अच्छी साबित हुई भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए पृथ्वीराज ने भाग कर बचने की कोशिश की लेकिन उन्हें सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया यहाँ एक काम की बात मैं आपको और समझा दूँ कि तराइन के दूसरे युद्ध में जब ये दोनों आमने सामने हुए तो इस युद्ध में डेफिनेटली जीता था गौरी लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं बंदी बनाया और इसके बाद में कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान ने शासन भी किया यह भी आप समझ लीजिए इतिहासकारों का यह मत है कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक अजमेर पर शासन किया था बाद में उसको मारा गया ठीक है तो उसने कोशिश की भागने की लेकिन बच गया बंदी बनाया गया और तुर्की सेनाओं ने हांसी सरस्वती और समाना के किलों पर अधिकार कर लिया इसके बाद उन्होंने अजमेर पर आक्रमण किया और अजमेर को भी अपने अधिकार में ले लिया इस समय के कुछ सिक्के हैं इन सिक्कों की खास बात क्या है इन सिक्कों की खास बात यह है कि इसके एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का और इसके दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी का जो है हमें मिलता है सबूत तो इन दोनों के पृथ्वीराज का चित्र और मोहम्मद गोरी के शब्द अंकित हैं श्री मोहम्मद साम नाम से तो ऐसा लगता है कि कुछ समय तक साथ साथ में शासन किया ठीक है कुछ समय तक इससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वीराज को अजमेर पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया था मतलब उसको युद्ध के तुरंत बाद नहीं मारा गया युद्ध के तुरंत बाद नहीं मारा गया थोड़े समय तक उसको अजमेर पर शासन करने दिया गया और इसी क्यों क्योंकि सिक्के जो हमें मिले हैं इस समय के सिक्कों में पृथ्वीराज एक तरफ पृथ्वीराज है और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी है तो सीधी बात है कि तुरंत तो नहीं हटाया होगा यह विस्थापित सत्य ये, ये इतिहासकारों में मान्य है लेकिन इसके तुरंत बाद षड्यंत्र का आरोप लगाकर पृथ्वीराज को मार डाला गया तो पृथ्वीराज की थोड़े समय बाद में हत्या कर दी गई और बाद में उसका जो पुत्र था वो उसका उत्तराधिकारी बना तो पुत्र उसके बाद में उत्तराधिकारी बना जिसने आगे रणथंबोर में एक अच्छे खासे साम्राज्य की स्थापना की ठीक है ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आएगा ही नहीं जो आप पूछ रहे हैं मयंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि साथ क्यों नहीं दिया था वो आप लोगों को मैंने बताया पूरा क्लियर तो उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना दिल्ली को भी उसके शासक को लौटा दिया गया लेकिन यह नीति शीघ्र ही बदल गई और दिल्ली के शासक तोमर नरेश को पहले तोमर के पास था दिल्ली जिस पर चौहान ने कब्जा कर लिया था फिर दिल्ली पर तोमर नरेश को बैठा दिया और अब तोमर नरेश को हटा दिया और दिल्ली जो है उसको तुर्की सेना ने अपने कब्जे में कर लिया क्योंकि वहीं से वो आगे बढ़ सकती थी भारत में मध्य गंगा की घाटी में और बंगाल के आसपास ठीक है ना तो दिल्ली को पहले तो उसके पुराने शासक को दे दिया लेकिन दिल्ली को वापस तुर्की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और उसको गंगा की घाटी को की तरफ आगे बढ़ने का आधार बनाया जैसे पहले पंजाब को आधार बनाया था अब दिल्ली को आधार बनाया एक विद्रोह में मुस्लिम सेना ने अजमेर पर आधिपत्य जमा लिया और वहां एक तुर्की अध्यक्ष को शासक नियुक्त कर दिया अब मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में उत्तर भारत में अपनी स्थिति को काफी हद तक मजबूत कर लिया लेकिन वो फिर गया वहीं मध्य एशिया को जीतने तो वो मध्य एशिया जीतने गया जहां मैंने बताया कि ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ फिर से टक्कर हो गई और ख्वारिज्म साम्राज्य से बुरी तरह हारा और फाइनली मोहम्मद गौरी ने अपना पूरा ध्यान भारत की तरफ लगाया ठीक है फाइनली मोहम्मद गोरी ने फिर अपना ध्यान भारत की तरफ लगाया धीरे धीरे गंगा घाटी बिहार और बंगाल पर तुर्कों का आक्रमण हुआ इनकी विजय हुई तो ग्यारह बानवे तराइन के युद्ध के बाद दूसरे युद्ध के बाद बारह के बीच तुर्की शासन का विस्तार गंगा यमुना के दोआब पर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक हो गया बाद में बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए अब हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल कैसे शुरू हुआ तो पहले तो गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा किया फिर उसका एक विश्वसनीय था एबक कुतुबुद्दीन एबक उसको सहारे छोड़ के वो चला गया फिर तो बाद में वापस भी आया था लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था तो जब वो मरा तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उसको मार डाला गया था उसकी हत्या कर दी गई तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण फिर ये गुलाम वंश की नींव डाली गई भारत में ठीक है ना और इधर मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज को हराने के बाद अगला जो बड़ा रोड़ा था वो था जयचंद जयचंद उस समय भारत में एक शक्तिशाली शासक माना जाता था तराइन के दूसरे युद्ध के बाद अगला जो बड़ी चुनौती थी गौरी के सामने उन तुर्कों के सामने वो जयचंद था तो दो साल के बाद ग्यारह में ग्यारह में एक और युद्ध हुआ जिसको कहते चंदावर का युद्ध आपने नाम सुना होगा चंदावर का युद्ध तो चंदावर के युद्ध में जयचंद और गौरी आपस में भिड़े और अब की बार जयचंद हारा तो ये दो युद्ध हुए थे बैक टू बैक हम लोग अभी बात करेंगे कैसे तो दोआब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले इन्हें कन्नौज से जो है निपटना पड़ा क्योंकि कन्नौज जो एक शक्तिशाली राज्य था तो उस पर अधिकार करना था और वहां का शासक मैंने अभी बताया उस समय गहड़वाल का शासक था जयचंद और यह भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था ठीक है तो गहडवाल का शासक जयचंद था और कन्नौज पर उन्हें अतिक्रमण करना था तो दो दशकों से वो बड़ी शांतिपूर्वक शासन करता आ रहा था हालांकि वो कोई बहुत योग्य योद्धा नहीं था क्योंकि बंगाल के सेन राजा ने उसको बहुत बुरी तरीके से हराया था पहले अब आते हैं तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी उसका जो विश्वासी गुलाम था कुतुबुद्दीन जिसको आप लोग कुतुबुद्दीन एबक के नाम से जानते हैं ठीक है कुतुबुद्दीन जो है उसके हाथों भारतीय मामलों को सौंप कर वो गजनी चला गया तो एक बार तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद में गजनी वापस लौट गया कौन गौरी और यहां किसको छोड़ गया कुतुबुद्दीन एबक को छोड़ गया ठीक है ग्यारह में ये फिर से भारत आया फिर भारत आया और अब की बार मैंने आपको बताया कौन सा युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध ग्यारह में वो वापस भारत आया और पचास हजार घुड़सवारों के साथ यमुना पार करके गया कहा जयचंद की राजधानी कन्नौज की तरफ तो फिर यह कन्नौज की तरफ चला गया जयचंद की राजधानी और कहा जाता है कि जयचंद इस युद्ध में लगभग जीत चुका था मतलब ऐसा भी माना जाता है कि जयचंद ऑलमोस्ट इस युद्ध में जीत ही चुका था ठीक है तो यह जयचंद लगभग इसको जीत चुका था लेकिन एक तीर लगने से ऐसा माना जाता है कि एक तीर लगने से वो वीर गति को प्राप्त हो गया इसकी वजह से उसकी सेना बिखर गई तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज गौरी का दूसरा जो युद्ध था सफल वो था हमारा चंदावर का युद्ध और चंदावर के युद्ध में फाइनली जो जीता वो था गौरी मोजुद्दीन अब बनारस की ओर बढ़ा और बनारस को उसने उजाड़ दिया वहाँ बहुत से देवालय को ठीक है मंदिरों को नष्ट किया तुर्कों ने अब दिल्ली से बिहार की सीमा तक के विस्तृत क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिए तो पहले पंजाब जीता पंजाब जीतने के बाद तराइन जीता तराइन में उसने दिल्ली जीता अजमेर जीता और उसके बाद में वो कन्नौज जीता जयचंद को हरा के और फाइनली वो कहाँ पूरे बंगाल तक पहुँच गया तो इस प्रकार से तुर्कों की जो विजय है वो भारत के एक बड़े इलाके पर हो चुकी थी और चूंकि मैंने आपको बताया कि ख्वारिज्म साम्राज्य उधर फटकने नहीं दे रहा था इनको मतलब ख्वारिज्म साम्राज्य ने उधर तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे किधर मध्य एशिया तो मध्य एशिया में ख्वारिज्म साम्राज्य ने इनके लिए रेड सिग्नल कर दिया था तो ये इधर भारत में ही पूरा ध्यान लगाने लगे और इस प्रकार से तुर्कों का जो राज्य है वो भारत में स्थापित हुआ ठीक है चल इसके बाद इस प्रकार तराइन और चंदावर ये चंदवाड़ा नहीं है चंदावर है चंदावर के युद्धों ने उत्तर भारत में तुर्कों के शासन की स्थापना की विजित साम्राज्य को संगठित करना एक कठिन काम था इस सब में तुर्कों को 50 साल लग गए तो जीत तो लिया था लेकिन अब एक अच्छा खासा साम्राज्य अपना बनाना था संगठित करना था मजबूत करना था तो इस सब में लगभग 50 साल तुर्कों को और लग गए ठीक है ना तो ये 50 साल तक फिर इसको व्यवस्थित करते रहे मुइजुद्दीन सन 1206 तक 1206 तक ये जीवित रहा इसके काल में दिल्ली के दक्षिणी भाग की सुरक्षा के लिए ठीक है उसने बथाना और ग्वालियर के शक्तिशाली किलों को भी अपने अधिकार में कर लिया इसके बाद में एबक ने इस क्षेत्र के चंदेल राजाओं से कालिंजर महोबा और खजुराहो जीत लिया तो मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड पर आक्रमण जब किया था तो उसने महोवा को और सबको जीत लिया था लेकिन चंदेलों को वापस दे दिया था उसने उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था ठीक है ना ये जो पृथ्वीराज चौहान था इसने जीतने के बाद भी बुंदेलखंड को अपने राज्य में नहीं मिलाया था वहां चंदेलों का शासन बना रहा लेकिन मोहम्मद गोरी के बाद में जब एबक आया तो उसने कालिंजर महवा और खजोराहो को जीत लिया और इस प्रकार से यहाँ भी तुर्कों का शासन आ गया दोआब को उन्होंने आधार बनाया और उसके आसपास निरंतर आक्रमण किया अब आते हैं गुजरात हमने अभी बात की थी भीम द्वितीय अभी आज के सेशन में दो बार हम भीम द्वितीय की बात कर बात कर चुके हैं एक बार 1178 में जब गौरी ने आक्रमण किया तो भीम द्वितीय ने उसको हराया दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण किया तब भीम द्वितीय ने उसको हराया दो बार हम लोग भीम द्वितीय के बारे में बात कर चुके हैं अब इस बार कुतुबुद्दीन एबक ने भीम को पराजित कर दिया अब कुतुबुद्दीन एबक ने गुजरात और अनहिलवाड़ा के जो राजा थे भीम द्वितीय इनको युद्ध में पराजित किया और अनेक नगरों को उजाड़ा और लूट लिया इस प्रकार से गुजरात जो है वो भी अब तुर्कों के पास चला गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी मैंने अभी कहा जो लोग 21, 22, 23, 23 की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो लोग ज्वाइन करें प्लस प्लेटफॉर्म में पांच तारीख से एक फाउंडेशन बैच ला रहा हूं एकदम फ्रेश और एकदम न्यू उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्हें लगता है कि हमें अभी कुछ भी नहीं आता या पहले से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया पांच तारीख से प्लस पर बैच शुरू होगा जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस नई बैच को इक्कीस बाईस तेईस के लिए सी के लाइव रेफरल कोड यूज करिए और प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए तो वहां पर मैं आप लोगों को पहले पॉलिटी आई आर पढ़ाऊंगा तो पेपर टू कंप्लीट कराऊंगा फिर इसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा पेपर वन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा हिस्ट्री जियोग्राफी कराऊंगा प्लस पर हां चाहे आप पेपर 2021 के लिए कर रहे हैं 22 के लिए कर रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं नई बैच ये नई बैच है, एकदम फ्रेश कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं पांच अक्टूबर से ठीक है तो ये भीम द्वितीय अब हार गया फाइनली भीम द्वितीय को किसने हराया एबक ने कुबुद्धी ने बक उसने विपुल धन और अपने समर्थकों को अपने चारों ओर एकत्र कर लिया था इन आक्रमणों के दौरान उसने बंगाल पहुंचने के मार्ग का भी पता लगा लिया अब बंगाल तक बंगाल तक जो है बंगाल की विजय की बाद में इन्होंने बंगाल को जीता उन दिनों बंगाल अपने धन और संपदा के कारण विख्यात था प्रचुर आंतरिक संसाधन और विदेश व्यापार के कारण बंगाल बहुत समृद्ध हो चुका था तो यहां एक व्यक्ति का नाम मिलेगा एक सरदार था तुर्क बख्तियार खलजी बख्तियार खलजी के नेतृत्व में इन्होंने बंगाल को भी जीत लिया समझ में आ रहा है बख्तियार खिलजी ने एक सेना के साथ बंगाल के सेना सेन राजाओं की राजधानी की ओर कूच किया उसको अचानक से धावा बोला उसको जीत लिया बाद में बख्तियार खलजी को मार दिया तो इस प्रकार से भारत में और मैंने बताया मोहम्मद गोरी की भी हत्या हो गई उसका कोई बेटा नहीं था तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन एबक इसने भारत में गुलाम की नींव डाली और अब शुरू होगा सल्तनत काल समझ में आया कहां से हम लोग चले गजनी गजनवी के आक्रमण की बात की देन हमने गौर साम्राज्य की बात की गौरी के आक्रमण की बात की उसके साथ में हमने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के शासन की बात की धीरे धीरे भारत में तुर्कों ने पहले पंजाब को फिर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को फिर गुजरात को फिर बंगाल को और इस प्रकार से उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई और अब तुर्क जो है भारत में एक के बाद एक वंश आप देखते हो सल्तनत काल में समझ में आया शुरुआत में हो सकता है कि कई लोगों को लग रहा था कि कहां से कहाँ जा रहे हैं अब लेकिन क्लियर होगा अब तो मुझे लगता है सारी चीजें ठीक है अभी तीन बजे मध्यकालीन भारत के ही क्वेश्चन करेंगे अभी आप लोग तीन बजे जो एम सी क्यूज का सेशन होगा आज का जो एम सी सेशन है ना वो मध्यकालीन भारत का ही है तीन बजे वाला जो सेशन है वो मध्यकालीन भारत का ही होगा आज ठीक है चलिए तो लाइक करना ना भूलें अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए साथ साथ में और मैंने बता ही दिया आपको पाँच तारीख से स्टार्ट होगा पॉलिटी का फाउंडेशन बैच पॉलिटी आई का तो सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए जब भी अन एकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो सी के लाइव एडमिशन लेते समय यूज करिए उसमें टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और साथ साथ ये गलत फहमी कि मेरा कोड यूज़ करने से सिर्फ मेरी क्लास मिलेगी ऐसा नहीं है जितने एडुकेटर अन अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस मिलेंगी लेकिन मैं आपको पर्सनली गाइड भी करता हूँ नोट्स भी अवेलेबल जितने स्टूडेंट्स सी के लाइव वाले हैं आप उनसे बात करिएगा उनको नोट्स यू के हार्ड कॉपी में अवेलेबल होते हैं घर पर बिना किसी चार्ज के तो आप लोग जुड़े रहिए बने रहिए सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करते रहिए और हम लोग अभी तीन बजे एम के सेशन में वापस मध्यकालीन भारत में मिलेंगे और सल्तनत काल हम आने वाले सेशन में फिर पढ़ेंगे ठीक है तो सभी को नमस्कार एक और बार जय हिंद जय भारत लेट्स क्रैक इट।